हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASO के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में फिक्स और ऑफिशियल डेट बताने वाला हूँ कि AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASO का एग्ज़ाम रिजल्ट और फिजिकल एग्ज़ाम रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट कब तक आउट किया जाएगा। और दोस्तों, एक साथ साथ बात करूँगा कि एग्ज़ाम टाइम में जो यहाँ पर पेपर लीक की वजह से जो हंगामा हुआ था उसका प्रभाव क्या पड़ेगा रिजल्ट पर। और दोस्तों, एक साथ साथ बताऊंगा कि क्या इसमें एग्ज़ाम दोबारा से होगा, जिन कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ उनकी डेट कब तक आएगी, क्या एडमिट कार्ड पुराने रहेंगे या फिर नए आने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASO के रिजल्ट डेट और री एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि AMD में सिक्योरिटी गार्ड और ASO आदि पदों पर फॉर्म आउट किए गए थे और काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे। और सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से इसमें फिजिकल कंडक्ट करवा लिया गया था और फिजिकल में क्वालिफाइड कैंडिडेट के यहाँ पर एग्ज़ाम भी हो गया था। पर दोस्तों, एग्ज़ाम जब चल रहे थे यहाँ पर एक शिफ्ट का यहाँ पर होना बाकी था, तो सेकेंड या थर्ड शिफ्ट यहाँ पर पेपर लीक की वजह से काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामे को देखते हुए पेपर को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ा। और दोस्तों, इस बता दूं कि यहाँ पर 75+ में कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था और 25% यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और दोस्तों, रिजल्ट से पहले हम बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनका क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ जिन कैंडिडेट का यहाँ पर AMD सिक्योरिटी गार्ड और ASO में यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनका यहाँ पर एग्ज़ाम 100% होगा। जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर एग्ज़ाम होगा 100% होगा। और दोस्तों, बात करें एडमिट कार्ड की, तो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आया था उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होने वाली है। एडमिट कार्ड से ही, पुराने वाले एडमिट कार्ड से ही आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम के लिए आपको एंट्री मिलने वाली है। सिर्फ आपकी यहाँ पर डेट चेंज होगी, सेम शिफ्ट रहने वाली, सेम यहाँ पर एडमिट कार्ड रहेगा, सिर्फ आपकी डेट चेंज होने वाली। सिर्फ जो कैंडिडेट यहाँ पर री एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं वो सभी अपने एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को संभाल के रखें, क्योंकि दोस्तों पुराने वाले एडमिट कार्ड से ही आपकी एंट्री होने वाली है। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर रिजल्ट के बारे में, कुछ कैंडिडेट यहाँ बोल रहे हैं कि हमारा तो पेपर हो गया तो हमारा रिजल्ट पहले आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जब तक सभी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता पूरी तरह से सब शिफ्ट में, तब तक यहाँ पर रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई मंथ में यहाँ पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों पहले जिन कैंडिडेट के यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ उनका पहले एग्ज़ाम होगा एंड देन उसके एक महीने बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आउट किया जाएगा। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की, तो यहाँ पर आपके हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ के यहाँ पर फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँ। और दोस्तों, 25 जुलाई के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इसलिए कोई कैंडिडेट घबराए नहीं। जैसे कोई डेट आती है एग्ज़ाम के बारे में, कोई डेट आती है या फिर री एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है या फिर ऑफिशियल न्यूज़ आती है या फिर ऑफिशियल नोटिस आता है, तो सबसे पहले आपको उस टाइम पर अपडेट किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और जो कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, नेक्स्ट मंथ 25 जुलाई के बाद यहाँ पर रिजल्ट आउट किया जाएगा। तब तक वेट कीजिए, तब तक यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कोई डेट आउट की जाती है, कोई न्यूज़ आती है या फिर एक्सपेक्टेड डेट आती है, तो सबसे पहले इस टाइम पर आपको अपडेट किया जाएगा। पर दोस्तों, जो AMD का जो डेट है वो अभी 25 जुलाई है, 25 जुलाई से पहले यहाँ पर रिजल्ट नहीं आने वाला। कोई ये ना सोचे कि हमारा रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आएगा तो 15-20 तारीख में आ जाएगा, ऐसा दोस्तों ऐसा नहीं है। 25 जुलाई से पहले यहाँ पर रिजल्ट आउट नहीं होने वाला है AMD सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्ज़ाम है, जब तक सभी का नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, जैसे डेट आती है एग्ज़ाम की तो उसके होने के बाद आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा 25 जुलाई के बाद। और दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था AMD में, तो उनके लिए जल्दी डेट आउट की जाएगी, उसी डेट पर जाकर अपना एग्ज़ाम दें। और दोस्तों, पुराने वाले एडमिट कार्ड को संभाल के रखें, तो दोस्तों पुराने वाले एडमिट कार्ड से ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलने वाली है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल गया है एग्ज़ाम तैयारी के लिए। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अच्छी तरह से करें,
और रही बात यहाँ पर रिजल्ट की, तो रिजल्ट सभी का, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, या फिर आपका किसी भी डेट को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ, सभी का यहाँ पर रिजल्ट एक डेट को ही आने वाला है, एक साथ आने वाला है। तो तब तक आप वेट कीजिए, जैसे कोई डेट आउट की जाती है एग्ज़ाम के बारे में या फिर रिजल्ट के बारे में, तो सबसे पहले इस सैंपल को अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों इसी से के साथ बता दूँ कि AMD रिजल्ट या फिर री एग्ज़ाम से रिलेटेड को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, 100% आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मैं ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को जब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।